बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो। आज हम आपको अंडा पकोड़ा बनाना सिखाएंगे जो कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। तो चलिए क्रिस्पी अंडा पकोड़ा को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ कप बेसन लिया है और इसको अच्छे से छान लिया था। अब इसमें 1 टीस्पून कुटी मिर्च शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको हाथ से इस तरह से मसल कर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, अगर ये नहीं है तो 2 साबुत हरी मिर्चें बारीक कट करके डाल दीजिएगा, 2 टेबल स्पून हरा धनिया, इसको बारीक कट करके धो लिया था अच्छे से, ये शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको एक नॉर्मल सा बैटर बना लेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, पतला नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा ठीक ही होना चाहिए। पानी एकदम से ऐड नहीं करेंगे, तो देखें इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतना इतना गाढ़ा होना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 मिनट तक। तो देखिए मिक्स हो चुका है, इतना ही बैटर हमने रखना है, ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा। और ये 5 अदर अंडे हैं, मैंने इनको बॉईल करके छिलका उतार लिया था। अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। एक तरफ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब हम ये अंडा लेंगे और ये जो बैटर है बेसन का, इसकी कोटिंग करेंगे, इसको अच्छे से डिप करके इस बेसन में अंडे को अच्छे से डिप कर लेंगे चम्मच की मदद से, और इसको गरम ऑयल में डाल देंगे एहतियात से। सारे अंडों को हम इसी तरह से डिप करके डाल देंगे और जब ये एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए इस पर, तो उसको पलट देंगे। तो देखिए कलर आ गया है, अब इसको हम चम्मच की मदद से पलट देंगे। जब एक साइड से कलर आ जाए तो इसको पलट देना है, दोनों साइडों से अच्छे तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है जब अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन कलर आ गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे, एक प्लेट में रख लेंगे निकाल कर। तो ये लीजिए हमारे अंडा पकोड़ा बन करके तैयार है। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया, आप इसको केचप के साथ खाएं, किसी भी चटनी के साथ खाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होते हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बच्चे बड़े से शौक से खाना पसंद करते हैं। रमज़ान है तो आप रमज़ान में बनाएं, इफ्तार में बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए। तो मैं इसे कट करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होते हैं, खाने में तो लाजवाब है, इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा इसे। ये देख सकते हैं आप इस तरह से इसको कट करके सर्व करें मेहमानों के सामने, घर वालों के लिए बनाएं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। यकीन माने जायके में तो ये लाजवाब है, बहुत ही ज़बरदस्त है और एकदम से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।